चुनावी रणनीतिकार और जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया। पीके ने राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस में जाने के संकेत दिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरी विचारधारा कांग्रेस के करीब है, ऐसे में कांग्रेस को ही तय करना है। पीके के इस बयान से बिहार के सियासी गलियारों में हलचल मच गई। हालांकि अपनी जन स्वराज पदयात्रा के दौरान वो गांव-गांव जाकर कांग्रेस समेत अन्य दलों के खिलाफ प्रचार जरूर कर रहे हैं। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस से जुड़ने की इच्छा भी जताई। पीके ने कहा, उनकी बहुत हद तक विचारधारा कांग्रेस जैसी है। कांग्रेस जिस विचारधारा पर चल रही है वो भी उसी के आसपास है, और ऐसे में अब कांग्रेस को तय करना है कि आगे क्या होगा। आपको बता दें कि पीके अभी बिहार में जन स्वराज यात्रा निकाल रहे हैं। इसके तहत वो कई जिलों का दौरा कर चुके हैं और गांव-गांव पे जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का जन स्वराज अभियान आने वाले समय में राजनीतिक पार्टी की शक्ल भी ले सकता है। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले नई पार्टी बनाने से पीके ने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि अगर जन स्वराज से जुड़ा कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो वो उसका समर्थन करेंगे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार की कुछ लोकसभा सीटों पर पीके निर्दलीय प्रत्याशी लड़ा सकते हैं, और इससे एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों को ही जरूर कड़ी टक्कर मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।